अरे भाई साहब, कहाँ पे हूँ मैं? ये क्या हो रहा है भाई? कहाँ पे हूँ मैं? तो हे गाइस, मैं हूँ प्रवीण और हम आ चुके हैं स्लेंडरमैन के वापस ठीक घर में। जहाँ पे पिछली बार हमारा गेम प्ले अधूरा रह गया था, जहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया था, और इस बार हम क्विट नहीं करने वाले हैं। हम इस गेम को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश क्या से कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली बार मुझे वो वजन मिला था, उसका क्या करना है मुझे पता नहीं था, पर इस बार मेरे हिसाब से मुझे सब कुछ पता है। तो अभी अभी गेम पे खेल के दो मकड़ी ने मुझे ख़त्म कर दिया है, तो इस बार मुझे एक न्यू सीक्रेट पता चला इस गेम का। तो हम उसी सीक्रेट प्लेस पे जाने वाले हैं सबसे पहले, तो हमें जाना चाहिए ऊपर। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, सीधा ऊपर जाने का। तो मैं बता दिए थे हमारी मकड़ी है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए शायद से। तो मुझे डंजन वाला एरिया देखना है। देखो, ब्लू डोर मिल गया मुझे यहाँ पे, तो ब्लू डोर मिलने वाला मेरे ब्लू की चाहिए। बस ब्लू की लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या चीज़ भी ढूंढनी पड़ेगी? दो, तो ये दो चीज़ ढूंढना ही सबसे हार्ड है, बाकी कुछ हार्ड नहीं है इस गेम में, क्योंकि दो चीज़ मिलती नहीं है जल्दी से। तो हमें सभी एरिया चेकआउट करने पड़ते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसमें पार्ट को कट कर दूंगा। ओके, कौन सी जगह पे आ चुका हूँ यार मैं? ये ऊपर जाने की जगह है। ये मकड़ी मेरे पीछे है गाइस, पर मुझे एक बार चेस वाले एरिया पे जाना है बस, फिर मेरा बहुत सा गेम पे बच जाएगा। तो ये पियानो है, यहाँ पे हमने पिछली बार वो बोर्ड डाला था। तो यहाँ से कहाँ पे है भाई वो? तो मुझे ढूंढनी है वो एरिया जहाँ पे वायरल वाली सीढ़ियाँ हैं, शायद से इस तरफ हो सकती है वो। तो कुछ ज़्यादा गेम में कुछ भी नहीं है, पर गेम का साइज बड़ा होने के कारण ये खेलने में थोड़ा हार्ड जाता है चलना। मकड़ी यार पीछे पड़ जाती है, इसका मैं बंदोबस्त करने वाला हूँ गाइस, टेंशन मत लीजिए। मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है इसके लिए। तो पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा हार्ड गेम प्ले किया था, मतलब हमने उन चीज़ों को नहीं चुना जो चुनना चाहिए था, क्योंकि तो हमें गेम के बारे में पर ज़्यादा पता नहीं था। पर इस बार हमें कुछ पता है। मैं जाऊँगा सबसे पहले ऊपर। ऊपर जाने के बाद हमें चाहिए और ऊपर जाएंगे हम, और ऊपर आने के बाद ये देखो, ये मिल गई मुझे स्क्वाड। अरे शिट यार, खत्म कर दिया मैंने मुझे। तो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ, पर इस बार मैं हमारे साथ एक नया गेस्ट है, वो है ड्रैकुला। तो ड्रैकुला मेरे पीछे है भाई, और वो स्वॉर्ड किसी काम की नहीं है। चाली ने दो वार से भी उसे हरा नहीं पाई वो, और ये भाई मेरे पीछे ही है वो। चलना, चलो मैंने इसको खत्म कर दिया है गाइस, ये वो मुझे तकलीफ नहीं देगा शायद से। मैंने एक की उठा लिया यहाँ से, और चलते हैं अब नीचे के एरिया में जहाँ पे हमें कुछ और मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले नीचे जाऊँगा और लाऊँगा वो की जो है ब्लू की, जिससे कि हमारा गेम प्ले और आसान हो जाएगा। याद रखना, ब्लू की के बाद हमारे पास ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे, तो ब्लू की लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो नीचे चलो, सबसे नीचे इस गेम में बहुत ज़्यादा फ्लोर थे गाइस। शिट यार, इसके नीचे भी एक फ्लोर होना चाहिए ना। मैं उस एरिया में जाऊंगा कैसे फिर? शिट, इस गेम में कुछ तो गड़बड़ है गाइस, क्योंकि मुझे अभी तक वो वाली जगह नहीं मिली जहाँ पे लेंड्रीना की मदर को बांध के रखा हुआ होता है। सबसे नीचे वाले एरिया में ही हम, और अभी भी हमें कुछ नहीं मिला है। तो मुझे लगता है हमें वापस वही जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे।
यहाँ पे एस तो इसके नीचे भी एक एरिया होना चाहिए। ओके पीछे से आ सामने से स्प्लेंडर ना से डरने का कोई ज़्यादा ये नहीं ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमने ये वाला एरिया देख लिया है, हमें इस वाले एरिया में जाना चाहिए क्योंकि हमें ब्लू की नहीं मिली है अभी तक। तो मैं गाइस जल्दी जल्दी से सारी रूम्स को चेक कर लेता हूँ और फिर आपसे आके मिलूँगा ताकि ये गेम प्ले ज़्यादा लंबा ना हो जाए पिछली बार की तरह। वन की यूज़ हमने वन की यूज़ किए गए और ये स्वॉर्ड मिली है, इससे थोड़ा सा डोरी लॉक, हमें एक और की चाहिए होंगी। वापस आ गया भैया, चल चलो मैंने इसको फिर से ख़त्म कर दिया है, थोड़ा डैमेज हुआ है मुझे पर ये मुझे तकलीफ नहीं देंगे। आप इस शॉट से सिर्फ ड्रैगन मर सकता है क्योंकि ये शांति, मुझे एक और की ढूंढनी पड़ेगी गाइस और इसकी के लिए मुझे दर दर अटकना पड़ सकता है। तो मुझे की मिल जाए भाई जल्दी से। चलो गाइस हमें एक की मिल चुकी है, हमारा काम थोड़ा आसान हो चुका है। तो मैं उस रूम में वापस जाता हूँ और की को लगा देता हूँ उस की में। तो वो डोर कौन सा था यार, ये चीज़ें याद ना रहना यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है यार इस गेम की, क्योंकि इसमें इतनी सारी जगह है, कौन कौन सी जगहों का याद रखेंगे हम। ओके ब्लू डोर के बाजू का दरवाज़ा यही है, नहीं ये नहीं है गाइस। ओके शिट हो गया मतलब, तो यहाँ से वो कोई दरवाजा हो सकता है। हाँ ये रहा, तो मिल गया है, मैं इसे खोल लेता हूँ एक बार। ओके ये रही सिलेंडर ना की मॉम, तो गाइस सिलेंडर ना की मॉम यहाँ पे कह दे आप देख सकते थे, और यहाँ पे ब्लू की, और मैं यहाँ से जाते ही ये यहाँ से छूट जाएंगी। तो इसकी मम्मी जी को इसके दामाद ने क्यों कैद कर रखा है मुझे पता नहीं। तो हम ब्लू डोर में जाते गए कि वो निकल चुकी है अपने डोर से, हमने उसे आज़ाद कर दिया एक प्रकार से। और मुझे चाहिए अब बस एक बार, हिट हो चुका है हमारे पास बहुत बड़ी, क्योंकि पीछे से मुझे आवाज़ आ रही है वो तो घटिया जानवरों की जो मर नहीं सकते जल्दी से। तो मैं जाने वाला इस तरफ ताकि मैं उनको थोड़ा चकमा दे सकूँ, वैसे बहुत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से उनको चकमा देना भी आसान नहीं है। पर मैं ब्लू स्टोर को एक बार करने के बाद इजीली उनको डॉच कर पाऊंगा फिर, क्योंकि मुझे सिर्फ पजल्स को सॉल्व करना है बाद में। तो दो कीज हो चुकी है, हमारा कुछ काम नहीं है अब दो कीज के बाद उनका। और ये रहा ब्लू डोर, ये ओपन करो। शिट इसको क्या करूँ अब, चलो मुझे जान बचानी पड़ेगी गाइस अपनी। मैं एक काम करता हूँ, अरे इसको मत देखो यार, तो मुझे इससे जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा। और ये देखो ये मेरे सामने से भी आ रहा है, मुझे यहाँ से चलो एक मेरे पीछे ही है, जाते हैं मुझे दरवाज़ा क्लोज कर लेना होगा जल्दी से जल्दी जल्दी। चलो मैंने डोर क्लोज कर दिया है और ये वाला डोर भी क्लोज कर दिया है। शायद से मैंने उनसे छुटकारा पा लिया होगा। ओके मैं कहाँ पे हूँ, मुझे मेरा डोर नहीं दिखाई दे रहा भाई। चलो वो यहाँ पे नहीं, तो मैंने उनसे छुटकारा पा लिया है, अब मुझे चाहिए सिर्फ अपना ब्लू डोर। ब्लू डोर इस तरफ लगता है ब्लू डोर हमारा,
हाँ यही है, तो शायद से मैंने अपनी शान बचा ली है। बुक शेल्फ्स के पास जाना है हमें, तो वो है ऊपर के रूम में, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बुक शेल्फ्स को ढूंढना पड़ेगा अब, क्योंकि सारी जगह एक जगह पे तो हो नहीं सकती। वो शायद से ये देखो, ये वाला बुक शेल्फ तो खुला है, मतलब ऊपर इसी जगह पे एक और बुक शेल्फ हो सकता है। तो हम सबसे नीचे वाले फ्लोर पे हैं, हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाए। चलो मुझे इस ड्रैकुला से अब फाइट खेलनी पड़ेगी। एक और बस पता है। चलो तो ड्रैकुला को मैंने चांदी की तलवार से मार दिया है, अब ढूंढते हैं बुक शेल्फ को। ये रहा बुक शेल्फ, चलो मैंने इसको भी खोल लिया है। बुक शेल्फ खेलने के बाद मुझे याद था एक ये क्या कहते हैं इसको, क्रोबा, तो मुझे इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा और एक फ्लोर के ऊपर। मुझे लगता है यहाँ से ऊपर ही फ्लोर है, एक और फ्लोर होना चाहिए। ये देखो वापस आ चुका है ये साला, ये मरना मरना चाहिए। मेरे को पहले टेंशन ये रहती थी ये करता है। ओके तो इसके ऊपर डायर की हुई, तो यहाँ पे नहीं हो सकता कुछ काम, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट चलते हैं, मैं जगह को ढूंढ के आपको बता देता हूँ। तो गाइस मिल चुकी है जगह। यही तो फायदा होता है कि गेम आपने पहली बार खेल ली हो। चलो खुल गया ये भी, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक रूम है जहाँ पे एक सेलर का मैं दिखाऊंगा जो कि मुझे पता है कहाँ पे। ये सिलेंडरी ना भी ना बहुत ही ज्यादा बकवास है यार। तो हम यहाँ से आए थे, तो सारे शॉर्टकट्स को ये सीढ़ियाँ ही जाती है गाइस, तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। चलना चल, तो मैं जाने वाला हूँ एरिया में, जो नीचे वाले फ्लोर पे एरिया थोड़ा मुझे अजीब लगा है। चलो कोई टेंशन की बात नहीं, हम सेलर में आ चुके हैं। उस सेलर में हमें वो रहा पेज गाइस, हमें मिल चुका है पेज पियानो कायस। ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक है गाइस, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं रहते तो आप उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए और फिर उससे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो मैं वापस इसी एरिया से ऊपर जाने वाला हूँ, दूसरा कोई जगह से नहीं जाने वाला। क्या यहाँ पे चलेगा मेरा पासवर्ड? नहीं, ये वाला पियानो नहीं है, वो ऊपर वाला है। तो हम ऊपर वाले पियानो पे जाते हैं पहले। चलो यहाँ से सीधा सबसे लास्ट वाले जगह से जाना पड़ेगा हमें। ये मुझे चबा मत चबा मत, जो भागते हैं गाइस यार सीधा ऊपर। तो ये तब तक ये मकड़ी भी पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि मैं इससे छुटकारा पाने वाला हूँ। लेंड्रीना का कोई डर नहीं गाइस, लेकिन शिटिया फंस गया मैं, गलत रास्ता ले लिया हमने गाइस, गलत रास्ता। गलत रास्ते के बाद यही बताएं से जेल में जाकर हार ही जाएंगे। तो कौन सी जगह थी वो? ये थी क्या, ये ड्रैकुला के पंछी? शायद से यही रूम होनी चाहिए। नहीं,
ना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंगा कर रही है हमारे साथ। मुझे लगता है गाइस हमें दूसरा एरिया स्किप कर लेना चाहिए, इस एरिया से हमें नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। ये रहा ना, मैं पहचान गया गाइस तो A-H-C-A-E-F। चलो कुछ निकला तो ये हैंड भाई का मेरे मुंह के सामने। तो ये स्प्लेंडर ना कर बहुत हो गया यार, तो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे। टाइम मिल गया है कि नहीं वो रास्ता, चलो खोल दो इसको। तो इसको खोलने बाद हम जाएंगे ऊपर, और ये देखो यहाँ पे एक न्यू प्लेस। तो ये खुलता है पर यहाँ पे वो गेट रखना था, मैंने तब देखा ही नहीं गाइस पिछले गेम में, पर वो गेम भी बहुत अच्छे तरह से मैंने खेला था। इसको भी है। तो चलो मुझे की मिल चुकी है फाउंड चेस्ट की, तो मुझे इसे चेस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा उसमें। तो मैं डायरेक्ट चेस्ट के पास जाके आपसे मिलता होगा, तब तक कि ये ड्रैकुला वर्सेस मी फाइट देख लीजिए। अपने पति को बचाने आ गया है वो, पति बता के ले। अरे साला मेरा हेल्थ कम हो गया है, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। थोड़ा सा हेल्थ बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे गोल गोल घूमना पड़ेगा। पास 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 पास, इसको यही भी बंद कर दूँ साले को, साला आ जाएगा कैसे भी करके। चलो मेरी हेल्थ तो वापस आ चुकी है, मैं अभी पंगा ले सकता हूँ। चलो इससे मैंने मार डाल, तो इससे पंगा लेना भारी पड़ता है भाई कभी कभी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपकी लाइफ ना मिले तो दुख तो होता ही है। फिर क्या जाएंगे देखें, चलो ये वापस आता है इसके जहाँ पे हम इसे भेज देते हैं, ये मर के यहाँ पे आ जाता है और फिर से यहाँ से स्पॉन हो जाता है। तो ये देखो ये वापस आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा नहीं तो ये यहाँ पे आता ही रहेगा। तो ये इसका एरिया है, ये यहाँ पे सोता है भाई। तो मैं इससे पंगा नहीं लेने वाला, ये टाइम लग सकता है मुझे। चलो मुझे मेरा एरिया में जाना चाहिए। ये गेम भाई काफ़ी स्लेंडरा गेम्स, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैंने आज तक इतनी स्लेंडरा गेम्स के लिए, पर इस गेम की बात ही कुछ अलग है, गेम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, चल ना चले मुँह के पीछे आ जाता है। चलो काश हम यहाँ पे आइए, तो ये बुक भी है यहाँ पे, इसको उठा लेते हैं। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, इसके आगे मैंने गेम चलाई नहीं है। वेट फॉर स्लेंडरीना, हमें क्या करना है भाई, कीप एन आई ऑन योर जल्बा। हाँ भाई मैं कोई जल्बा ना करूँगा, बुक में कैच करना है। अरे भाई करना है, हमें उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, दूर दूर से लगा ऐसे ऐसे गुल गुल घूमते जाओ, घूमते जाओ, पहल बढ़ाओ पहल बढ़ाओ पहल बढ़ाओ। हेल्थ हेल्थ मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई, जेंडर ना मेरी हेल्थ सही नहीं है, बढ़ जा भाई काम। थोड़ी देर के लिए मत आ जाओ,
ये कौन सा जादू रूम आ रहा है भाई यार, ये क्या हो रहा है? ओके, मैंने गाय को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया है, अभी तक वो आई है। लेकिन वो उसको इससे करना है कि उसमें अब यहाँ से निकल पाएंगे। अब आ जाए मेंटेनेंस अभी ज़्यादा इतनी सेकेंड की चीज़ें मुझसे तो कहा चलो आगे हमने उसे हरा ही दिया। अब क्या करना है? उठा ले भाई की। चलो हमारे पास अभी एंट्रेंस की है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा वरना हम रन द नेक्स्ट डोर। हम जा रहे भाई जा रहे, ऐसे गेम कंप्लीट ही कर चुका हूँ मैं। अब किस बात का डर? डर ही नहीं मेरे पास। अरे भाई सर इसने यहाँ से मुंह बंद कर दिया, मैं जाऊँगा कहाँ से यार? तो मुझे एक नया रास्ता पता है पर उसका लॉन्ग है, जाना तो वहीं से पड़ेगा। चलते हैं वहीं से अब। अरे भाई साहब तू भी आ गया क्या मेरे पीछे? इसकी बीवी को हमने कुछ में कैद कर दिया, वो क्या ही करेगा। अरे भाई साहब मेरे पीछे आ गए, ये भी सभी मेरे पीछे आ रहे भाई। तो गाइस प्लीज लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ किस पर लाइक दे दो यार। ये मेरे पट की प्यार करने वाले हैं यार, के मैं कहाँ पे नहीं गिर नहीं पता। चलो मैं एंट्रेंस के पास वापस से ओके, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं। भाग 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 पीछे बोझ, पीछे बोझ जल्दी से भाग ले। ओके सभी मेरे पीछे, सभी भूत और मैं सबसे नज़दीक, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यार। शिट ओके, स्लेंडरीना बुक में कैद हो चुके गाई, हमने स्लेंडरीना का किस्सा खत्म कर दिया, अब वो कभी किसी के पास नहीं आएगी। अब ये बुक जिसको मिलेगी वही स्लेंडरीना को ला पाएंगा। द एंड ऑफ स्लेंडरीना गेम गाइस, हमने सारी स्लेंडरीना गेम खेल चुके हैं, तो इस बार हमने गेम का भी एंड ही कर दिया है। तो स्लेंडरीना एज के लिए एक बार लाइक और कमेंट में लिख दीजिए अपना सबसे फेवरेट जंप स्केयर एंड माय गेम प्ले को रेटिंग देना ना भूलिएगा। तो ऐसी गेम्स यहाँ पे दिख रही होंगी आपको स्क्रीन पे, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं।